अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। हम आज बात करेंगे स्टोरेज की, उसके बाद कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। उनमें मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और CD-ROM ये दस्तयाब है। हम सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज क्या चीज़ होती है, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि स्टोरेज और मेमोरी में क्या फ़र्क होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस कैसे अपना रोल प्ले करती हैं। स्टोरेज कंप्यूटर की सेंस में क्या चीज़ होती है? बेसिकली स्टोरेज से मुराद होता है डेटा को कंप्यूटर में महफूज करना। अब ये डेटा, हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर में जब भी स्टोर होता है तो वो परमानेंटली बेसिस के ऊपर स्टोर होता है। कंप्यूटर में डेटा दो स्टेजेस के तहत स्टोर किया जा सकता है, एक टेम्पररी बेस पे और दूसरा परमानेंट बेस पे। टेम्पररी बेस पे डेटा सिर्फ और सिर्फ रेंडम एक्सेस मेमोरी में होल्ड किया जाता है ताकि उसके ऊपर फर्दर वर्किंग परफॉर्म की जा सके, लेकिन जब वो हार्ड डिस्क में या किसी सेकेंडरी स्टोरेज कंपोनेंट के ऊपर स्टोर हो जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है और वो डेटा कभी भी दोबारा से एक्सेस किया जा सकता है ऑन द रिक्वायरमेंट्स। हम सेकेंडरी स्टोरेज को ऑक्सिलरी स्टोरेज या मैस स्टोरेज के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको MCQ आ सकता है, सो इसको आपने जहन में रखना है। इसके बाद हम अगर बात करें कि कंप्यूटर में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो टेम्पररी बेस पे कहाँ पे स्टोर होता है, और वो जब टेम्पररी बेस पे स्टोर होने के बाद परमानेंट बेस पे स्टोर होता है तो कैसे उसकी स्टोरेज होती है। मेन मेमोरी हमारे पास एक ऐसा एरिया है जहां पे सबसे पहले डेटा ने प्रोसेस होने के लिए आना होता है, सो हम उसे टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज वहां डेटा होल्ड किया जाता है सिर्फ उतनी देर तक जब तक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होते। जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो वहां से डेटा को स्किप कर दिया जाता है। मैं इसकी मिसाल आपको सिंपली इसी तरह देता हूं। आपने सफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप कुछ देर के लिए किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी ने आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। आप सारी जिंदगी उस गाड़ी में गुजार नहीं सकते, सो हम उस गाड़ी में जो सफर किया उसको टेम्पररी कंसीडर करते हैं। सेम इसी तरह रैम ने डेटा को टेम्पररी होल्ड करना होता है, ये परमानेंट स्टोरेज एरिया हरगिज नहीं होती। स्टोरेज जब हम कंप्यूटर सिस्टम में बात करते हैं तो चूंकि लिमिटेड होती है, सो मेन मेमोरी की कैपेसिटी वो ऑलमोस्ट स्टोरेज के एतबार से वो और ज्यादा लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि इसमें टेम्पररी बेस पे वो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होने होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट जिनके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना चाहता है। तो जो डेटा वर्किंग मेमोरी के अंदर होता है या टेम्पररी मेमोरी के अंदर होता है वो लिमिटेड होता है रादर देन द स्टोरेज। मैं मिसाल इसकी इस तरह देता हूं, जैसे एक बहुत बड़ा घर है और उसमें 20 अफराद रहते हैं। अब वहां पे हर वक्त वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन अगर बस की बात की जाए या गाड़ी की बात की जाए, छोटी गाड़ी की, तो उसमें अफराद वैसी मूवमेंट नहीं कर सकते जैसे घर में आजादाना तौर पे करते हैं। सो मूवमेंट करने के लिए हमें बड़ी कैपेसिटी की जरूरत होगी, तो स्टोरेज जो है वो बड़ी कैपेसिटी है जैसे घर है, और जो लिमिटेड कैपेसिटी है वो गाड़ी है जिसमें अफराद नॉर्मली मूवमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें स्टोरेज कैसे अपना रोल प्ले करती है, तो हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो स्टोरेज कंपोनेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मेन मेमोरी से आने वाला डेटा जो प्रोसेस हो चुका होता है हम उसे कंप्यूटर में होल्ड करते हैं ताकि फर्दर जब हमें उसकी जरूरत पेश आए तो वहीं से डेटा को हम रिकॉल कर सकें। वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन आज के लेक्चर में करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, स्टोरेज डिवाइसेस में आमतौर पर दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं रीडिंग ऑपरेशन, और दूसरा होता है राइटिंग ऑपरेशन। अब दोनों क्या है मैं डेफिनेशन से आपको इसकी वजाहत करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द मेमोरी इज कॉल्ड रीडिंग। अगर आपने कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को स्टोरेज मीडियम से मेन मेमोरी में कॉल किया, रैम में कॉल किया, तो इसको हम कहते हैं रीडिंग ऑपरेशन। और द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डेटा और इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी टू द स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड राइटिंग। अगर आपने कोई डेटा मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क के ऊपर या किसी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के ऊपर कॉपी किया आफ्टर मैनिपुलेटिंग द ऑपरेशंस, तो हम इसे
राइटिंग ऑपरेशन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ऑपरेशन आमतौर पे स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। हम इस मेमोरी को, स्टोरेज डिवाइसेस को आमतौर पे नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं, बिकॉज द कंटेंट्स रिमेन सेफ इवन इफ द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अगर आप कंप्यूटर को बंद भी कर देते हैं तो इसके जो कंटेंट्स आपने मैनिपुलेट किए हैं या इसके कंटेंट्स जो आपने महफूज किए हैं वो परमानेंट रहते हैं, वो जाया नहीं होते। हमारे पास बहुत सी स्टोरेज डिवाइसेस रिसेंटली मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फ्लैश मीडिया यूएसबी की फॉर्म में, मेमोरी कार्ड्स, ऑप्टिकल डिवाइसेस, ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया या स्टोरेज डिवाइसेस की तरह अपना रोल प्ले करती हैं। मैग्नेटिक टेप की हम सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया रही है। इट इज द ओल्डेस्ट स्टोरेज मीडिया टू स्टोर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द डेटा परमानेंटली। पुराने जमाने में, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले, ये सबसे फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होती थी जहां पे डेटा को होल्ड किया जाता था। इसमें होता क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन रिबन ऑफ प्लास्टिक टेप। इसमें एक बारीक सी लेयर होती थी टेप की, दैट इज कोटेड विद मैग्नेटिक मटीरियल, जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटीरियल वो मौजूद होता था। इसके अंदर रीड और राइट करने के ऑप्शन अवेलेबल थे। सो एक ऐसी डिवाइस इस्तेमाल की जाती थी इसके ऊपर डेटा को स्टोर करने के लिए, जिसमें रीड और राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद थी। मैं इसको सिर्फ फिनोमिना समझने के तौर पे आपको इसकी बात बता देता हूं। जैसे आपने कैसेट्स देखी होंगी जो मुख्तलिफ वीसीआर्स के अंदर चलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। ये भी आज से तकरीबन 10-15 साल पहले तक कॉमनली इस्तेमाल होती थी। हम इसको डिस्केट के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटीरियल। इसके अंदर एक छोटी सी लेयर होती थी जिसको मैग्नेटिक मटीरियल के जरिए से कोट किया जाता था, और ये बेसिकली एक प्लास्टिक जैकेट के अंदर रखी जाती थी। ये IBM ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1970s के अंदर। ये इस्तेमाल होती रही है और ये एक स्क्वायर इंच के अंदर, 3.5 स्क्वायर इंच के अंदर बंद हुआ करती थी। नॉर्मली इसमें 1.44 MB तक डेटा को स्टोर करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद हुआ करती थी। फ्लॉपी डिस्क बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती रही है। स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी एग्जांपल भी नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टोरेज मीडिया है हम उसे कहते हैं CD-ROM। CD-ROM क्या चीज होती है, हम इसको कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा जो CD-ROM के अंदर स्टोर किया जाता है, ये सिर्फ रीड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। CD-ROM की मैं बात कर रहा हूं। इसमें फर्दर और बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, CD-RW आ जाती है, CD-R आ जाती है, लेकिन हम फिल वक्त अभी सिर्फ बात कर रहे हैं CD-ROM की। इसमें कॉन्टेंट्स को चेंज या डिलीट करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। जो डेटा आपने एक दफा इसमें लिख दिया वो परमानेंट होता है। सो नॉर्मली इसमें 700 MB तक डेटा को स्टोर करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद थी, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला मीडिया, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर नॉर्मली प्रोग्राम और डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें एक ऐसे टूल की जरूरत थी जो डेटा को होल्ड करे। सो 1950s से लेके अब तक एक्सपर्ट्स इस कोशिश में है कि हम एक ऐसा स्टोरेज मीडिया बनाएं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो और वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करे। तो कंप्यूटर ने हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, इसके बाद सॉलिड स्टेट डिस्क और इस तरह के बहुत से मीडिया को इंप्लीमेंट किया है, जिसके नतीजे में डेटा को हम परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। नॉर्मली जब हार्ड डिस्क बनी थी तो उसका साइज वो 5 MB था और उसका टोटल जो वॉल्यूम था वो तकरीबन एक बहुत बड़ी अलमारी जितना था। लेकिन रिसेंटली जो हमारे पास हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क हैं, उनमें वो छोटी सी जगह पे आ जाती हैं और 8 TB तक उनके अंदर गुंजाइश मौजूद है, और ये एक ह्यूज वॉल्यूम है जिसके अंदर डेटा को स्टोर करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। हम इसे मैग्नेटिक डिस्क के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक फिक्स डिस्क के नाम से भी रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें जो डिस्क का इंटरनल फ्रेमवर्क है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें मल्टीपल सर्कल्स होते हैं जो डिस्क के ऊपर लगे होते हैं, उसको हम, उस डिस्क को हम प्लेटर
भी कहते हैं। और प्लैटर बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल के जरिए से कोट की जाती है और इसके अंदर डेटा को स्टोर करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। डिस्क को आमतौर पे फॉर्मेट किया जाता है ताकि उसके ऊपर डेटा को लिखा जा सके। अब फॉर्मेट क्या चीज होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रैक्स और सेक्टर्स एलोकेट करते हैं और ट्रैक्स और सेक्टर्स ही बेसिकली डेटा को होल्ड करने का जरिया और सबब बनते हैं। अब ट्रैक्स क्या चीज होती है? ट्रैक्स बेसिकली वो सर्कल्स होते हैं जो हार्ड डिस्क की प्लेटर के ऊपर या सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। हर ट्रैक के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं जिनको आईडीज असाइन किए जाते हैं ताकि वहां पे डाटा को स्टोर किया जा सके। अब अगर आपको मैं इसकी डायग्राम दिखाऊं तो स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी डायग्राम नजर आ रही है। बेसिकली अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सेक्टर्स अगर कहीं पे इकट्ठे हो जाएं तो वो एक क्लस्टर बन जाता है। सो क्लस्टर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जहां पे डाटा को स्टोर किया जाता है। अब स्क्रीन के ऊपर आपको हार्ड डिस्क की डायग्राम नजर आ रही है, वहां से आप आसानी इसको देख सकते हैं कि हमारे पास प्लेटर होती है, एक डिस्क, उस प्लेटर के ऊपर एक हैंड लगा होता है जो रीड और राइट के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। उसकी मूवमेंट के नतीजे में आमतौर पे ऑपरेशंस को राइट किया जाता है या रीड किया जाता है। वो हैंड एक मैग्नेट के साथ, जो पावरफुल मैग्नेट होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। मैग्नेट ही उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने का जरिया बनता है। मैंने उसकी डायग्राम को लेबल किया हुआ है, आप आसानी उसको वहां पे देख सकते हैं। हार्ड डिस्क का जो प्लेटर होता है उसको मूव करने के लिए हमें एक स्पिंडल की जरूरत होती है और यही बेसिकली उसकी आरपीएम्स को या रोटेशन पर मिनट को कंट्रोल करने के लिए, उसकी रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए स्पिंडल ही सबसे अहम कंपोनेंट होता है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर और इस पूरे चैप्टर की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में या किसी भी टॉपिक की इस पूरे चैप्टर में समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस वो भी डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी जरूर दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कहां पे किन चीजों की समझ नहीं आई। इस पूरे चैप्टर को एक दफा जरूर रिवाइज करिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कृपा।